सब्सक्राइब करें एचवीएसी गाइडलाइन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय दोस्तों, आज हम लोग रिफ्रिजरेंट रिकवरी के बारे में जानेंगे कि रिफ्रिजरेंट रिकवरी कैसे किया जाता है। ये आप लोग देख लीजिए, ये चिलर है यॉर्क का। इसके अंदर दो सर्किट दिया, देखिए ये सर्किट वन है, ये सर्किट टू है। आज हम लोग रिफ्रिजरेंट रिकवरी कर रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे रिफ्रिजरेंट रिकवरी कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए हम लोग रिकवरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए हम लोग इसको पंप डाउन कर रहे हैं, इसका ऑयल हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। अंदर इसको क्लीन करना है पूरा, और हम लोग का ये डिस्चार्ज वाल्व काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डिस्चार्ज वाल्व काम नहीं कर रहा है, प्रेशर होल्ड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये पंप डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम लोग अगर इसको ऐसे ही खोल देंगे तो पूरा गैस जो रिफ्रिजरेंट है पूरा रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, पूरा रिफ्रिजरेंट वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए पहले हम लोग इसको रिफ्रिजरेंट को हम लोग पहले रिकवरी करेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये रिकवरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये देखिए ये वॉल है, इसको हम लोग चेंज करेंगे, ये डालेंगे ये नया वॉल। ये वाला वॉल जो है प्रेशर होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वॉल ख़राब हो चुका है। अभी हम लोग रिकवरी की मशीन के बारे में जानेंगे कैसे काम करती है। देखिए ये रिकवरी मशीन है, रिफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे यूज़ करना है, ठीक है। हम लोग पहले देख लेंगे कैसे यूज़ करना है। यहाँ देखिए पूरा डायग्राम बना के दिया है, ठीक है। ये सिंगल फेज का है, आप लोग देख सकते हो, इसमें दो साइड दी गई है, एलपी साइड एचपी साइड, लो प्रेशर साइड हाई प्रेशर साइड, जिसको हम लोग V1 भी बोलते हैं। इसमें दिया है V1 और V2। ये वॉल है ओपन क्लोज करने के लिए, ये रिकवरी और पॉज करने के लिए वॉल है। यहाँ पर देखिए मैनुअली हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कैसे रिकवरी करेंगे। देखिए ये गेज दिया है, ये प्रेशर गेज जो रेड वाला है, देखिए ये रेड लाइन, ये डायरेक्ट देखिए डिस्चार्ज हेड पर लगा हुआ। देखिए ये यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये डिस्चार्ज हेड पर लगा हुआ है। यहाँ से ये रिफ्रिजरेंट को सक करता है, ठीक है। ये लाइन से देखिए ये लाइन गई है, डायरेक्ट डिस्चार्ज वॉल पर लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से ये सक करता है रिफ्रिजरेंट को, गैस को। उसके बाद यहाँ से ये सक करते हुए, ये देखिए एल्लो में आता है, एल्लो से सक करते हुए देखिए ये रिफ्रिजरेंट को। यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो रिफ्रिजरेंट के अंदर इम्प्योरिटीज़ आएगी उसको ये फिल्टर करेगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम में लेगा, उसके बाद ये देखिए येल्लो वाली लाइन जो है वो कनेक्ट है फिल्टर से। ये एलपी साइड की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए ये एलपी साइड है, लो प्रेशर साइड। उसके बाद ये एचपी में आएगा, देखिए ये एचपी साइड है, एचपी साइड से एक होस पाइप कनेक्ट है, देखिए ये रिकवरी सिलेंडर में गया है, ये देखिए रिकवरी सिलेंडर में गया है, ठीक है। ये लाइन, ये देखिए ये रिकवरी सिलेंडर है। यहाँ पर हम लोग जो रिफ्रिजरेंट है यहाँ पर स्टोर की जाती है, यहाँ पर हम लोग स्टोर कर रहे हैं रिफ्रिजरेंट को, ठीक है। ये दो सिलेंडर, एक और सिलेंडर ये वाला, अभी हम लोग इसको देखेंगे। देखिए ये इसका प्रेशर भी दिया, देखिए इसका प्रेशर अभी रिफ्रिजरेंट का यहाँ पर देखिए इसका ज़ीरो है, और देखिए रिकवरी सिलेंडर का प्रेशर देखिए 200 पहुँच गया। ये रिफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन है, ऐसे ही रिकवरी किया जाता है। देखिए जैसे हम लोग गैस चार्ज करते हैं समथिंग कुछ ऐसा ही है। देखिए ये सिलेंडर, ये हम लोग लगाते हैं पहले, देखिए उसमें प्रेशर चेक करने के लिए। उसके बाद जो बीच वाला रहता है उसको हम लोग सिलेंडर में कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये देखिए ये बीच वाला जो होस पाइप है हमें लो प्रेशर साइड में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये वॉल को ओपन किए, उसके बाद ये देखिए ये सक करके यहाँ पर एक फिल्टर भी लगा हुआ है,
उसके बाद देखिए सिस्टम में जाता है, उसके बाद सिस्टम से ये सिलेंडर में कनेक्ट है। ये देखिए ये रिफ्रिजरेंट रिकवरी सिलेंडर है, ये सिलेंडर में पूरी गैस हम लोग स्टोर कर रहे हैं, और एक सिलेंडर ये भी है, ठीक है। इसको यूज़ करने से पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग ये भी देखना चाहिए हम लोग का ये कैसे कैसे यूज़ करना। आप लोग देख सकते हो ये डायग्राम R22 पूरा रिफ्रिजरेंट दिया है यहाँ पर, देखिए ये पूरा रिफ्रिजरेंट दिया है। ये सिंगल फेज का है रिफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पंप डाउन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।